आई होप आप ये क्वारंटाइन काफ़ी अच्छे से ले रहे हैं। आप घर पे बैठे हैं, आई नो 3 मई तक अभी हमें और घर पे बैठना है, तो आई होप इट्स नॉट अफेक्टिंग यू। मैनी पीपल हैव स्टार्टेड फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड, लिटिल डाउन, वी आर नॉट यूज टू स्टेइंग एट होम, आई अंडरस्टैंड दैट टोटली, बट स्टिल वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एंड ये वक्त भी गुजर जाएगा एंड वी हैव टू सेल थ्रू इट एंड वी विल फाइट एंड वी विल विन। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू फिल्म। फिल्म का नाम है द टर्मिनल, 2004 का रिलीज है, काफ़ी पुरानी फिल्म है। मैं ऐसे ही उस दिन कुछ दिनों पहले ऐसे ही जब टीवी सर्व कर रहा था तो मैंने टीवी पे देखी। मैंने अनफॉर्चुनेटली अब तक ये फिल्म देखी नहीं थी, आई डोंट नो व्हाई। मैं अनफॉर्चुनेटली क्यों बोल रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सो द फिल्म का नाम है द टर्मिनल, 2004 की रिलीज है। इट्स अ कॉमेडी ड्रामा रोमांस फिल्म, 18 जून 2004 का रिलीज है, 2 घंटे 8 मिनट की फिल्म है, 2004 के हिसाब से छोटी फिल्म है। तब दो घंटे ढाई घंटे की फिल्म वॉज क्वाइट ओके, आजकल 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 2 घंटे 5 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर अस टूडे, बट तब 2 घंटे 8 मिनट मतलब छोटी फिल्म हो गई 2004 को, 16 साल पहले। 7.4 out of 10 का रेटिंग है दोस्तों, 387,022 लोगों ने इसे रेट किया, यानी कि 3,87,022 लोगों ने इसे रेट किया और उसके बावजूद 7.4 का रेटिंग है। अमेजोन प्राइम पे अवेलेबल है, मेरे हिसाब से नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। फिल्म के कास्ट है ची मैकब्राइड, कैथरीन जीटा जोन्स द लेजेंडरी एक्ट्रेस एंड वन ऑफ माय वेरी फेवरेट एक्टर्स टॉम हैंक्स। फिल्म के डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग। आई नो आई कैन नॉट से एनीथिंग नाउ, स्टीवन स्पिलबर्ग है यार, मतलब ही इज द लेजेंड, एटलीस्ट फॉर मी, वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स। सो मैंने ये फिल्म देखना शुरू किया। फिल्म के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि एक क्रकोजियन आदमी यूएसए में लैंड करता है। यूएसए में लैंड करने के बाद जब इमिग्रेशन चालू होता है तब JFK एयरपोर्ट को पता चलता है कि क्रकोजिया में एक बहुत बड़ा रेबल हुआ है, जिसके वजह से सरकार पूरी तरह से उल्टा पलट हो गई है और अब क्रकोजिया एक रिपब्लिक देश ही नहीं रहा। और जब तक यूएसए उसे एक रिपब्लिक देश कहकर रिकग्नाइज नहीं करती, ये बंदा ना क्रकोजिया वापिस जा सकता है ना यूएसए में एंटर हो सकता है, क्योंकि उसका पासपोर्ट ही वैलिड नहीं है। ही इज अनएक्सेप्टेबल। दोस्तों समझ में आ रहा है कितना भयानक थॉट है ये? इमेजिन वन डे यू गेट अप, यू रीच समवेयर एंड दे डिक्लेयर यू आर फ्रॉम नोवेयर, मतलब क्या कर सकता है वो आदमी। बट द एयरपोर्ट अथॉरिटी आस्क्स हिम टू स्टे एट द एयरपोर्ट टिल द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कम, एंड उन्हें ये पता है एयरपोर्ट अथॉरिटी को कि इसमें कई महीने जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एक युद्ध चल रहा है। और फिर कैसे क्या करना है, नाउ दैट क्रकोजियन मैन इज बीन प्लेड बाय मिस्टर टॉम हैंक्स, और हाउ दैट मैन गोज थ्रू दिस टफ सिचुएशन वन आफ्टर अदर थिंग्स एंड अल्टीमेटली वॉट हैपन्स देयर, द फिल्म इज ऑल अबाउट दैट। इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म। दोस्तों फिल्म के बारे में क्या कहूँ, मतलब पूरी फिल्म एक एयरपोर्ट लाउंज के बीच में है। येस देर आर सेक्शन इन टू इट, ऐसा नहीं है कि एक रूम के अंदर की फिल्म है, बट पूरी फिल्म एयरपोर्ट लाउंज सेक्शन में। प्रोडक्शन डिजाइन की बात करूँगा तो वो लोग ने टू द पॉइंट काम किया है। एयरपोर्ट लगता है, क्रकोजियन मैन लगता है, उसका पहराव, एयर होस्टेसेस, सब कुछ एक रियलिस्टिक लुक देता है। सिनेमेटोग्राफी आई वोंट कॉल इट आउट ऑफ द वे बिकॉज देर इज नो नीड इन दिस फिल्म। ये पूरी की पूरी फिल्म स्क्रिप्ट की है, ये पूरी की पूरी फिल्म एक फिल्म मेकर की फिल्म है, ये पूरी की पूरी फिल्म स्टोरी टेलिंग के ऊपर है। इसे ना सिनेमेटोग्राफी की जरूरत है, ना VFX की जरूरत है, ना ऊपर नीचे साउंड डिजाइन की जरूरत है, बट फिर भी प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन, जो कुछ भी यूज हुआ है वो एट पार लेवल का है टू गिव जस्टिस टू द सब्जेक्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया VFX हैं, जो है इट गिव्स द परफेक्ट जस्टिस टू दिस थिंग द फिल्म। नाउ कमिंग टू द स्टोरी टेलिंग, स्टीवन स्पिलबर्ग मास्टर ऑफ स्टोरी टेलर, एंड वाओ व्हाट अ ब्यूटिफुल वे टू टेल अ स्टोरी of courage, tell a story of not giving up, tell a story of not giving up on your values. Ideally, Tom Hanks, the Krakosian man,
हैज कम टू यूएसए टू फुलफिल हिज फादर्स लास्ट विश एंड ही हैज टू डू दैट बिकॉज दैट विश इज इन न्यूयॉर्क एंड ही स्टेज देयर ही कम्स टू द एयरपोर्ट ही कम्स टू नो दैट he can't go outside the airport, he cannot return back to his country, he doesn't know the language, but wo banda ek successful banda hai, kaise, kyunki wo khud ko ek update kar sakta hai, ye unhone uske character mein se dikhaya hai, so jab wo aata hai, to he has a Caucasian language with some Bulgarian accent, rehta hai usme, and he stays there, next day, 2 days, 3 days, he starts learning English, फिर वो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है तो वो वहां के एक एयरपोर्ट का एक लाउंज का एक एरिया है जो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है वहां पे काम करना शुरू करता है लोगों की कैसी वहां के मदद करता है हाउ ही अर्न्स ब्रेड एंड बटर देयर हाउ ही मेक्स श्योर दैट ही गेट्स फूड इसके बीच में वो दो प्यार करने वालों को भी मिलवाता है ओवरऑल द कैरेक्टराइजेशन मेड बी ऑफ टॉम हैंक्स देन देयर इज द कैरेक्टर ऑफ कैथरीन जीटा जोन्स जो एक मैरिड आदमी के प्यार में है और वो उसके लिए कई सालों से रुकी हुई है बट शी कैनॉट वेट एंड व्हेन दे बोथ मीट टॉम हैंक्स इज ऑल अबाउट आई एम वेटिंग एंड शी इज लाइक आई कैनॉट वेट द स्टाफ ऑफ दैट एयरपोर्ट लाउंज मिस्टर गुप्ता द सिक्योरिटी इंचार्ज द फूड इंचार्ज हाउ दे जेल अप विद दिस मैन द लेडी ऑफिसर हु इज गिविंग द वीजा एक एक कैरेक्टर जो हम कभी एयरपोर्ट पे ध्यान भी नहीं देते उन कैरेक्टर को एक इतने पीक पे लाके रखा है स्टीवन स्पिलबर्ग सर ने कि क्या बताऊं और धीरे धीरे आप उनसे जुड़ने लगते हो उनमें उलझने लगते हो और जैसे जैसे फिल्म खत्म होती है यू डोंट गेट द फीलिंग ऑफ इट्स एंडिंग यू गेट द फीलिंग ऑफ यू हैव अचीव्ड समथिंग दोस्तों द मोमेंट टॉम हैंक्स विंस हिज बैटल द फीलिंग ऑफ विनिंग ना कि उस कैरेक्टर ने अच्छे से दिखाई है बट हमें भी यहाँ पे फील होता है कि क्या बात है यार फाइनली ही डिड इट इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग आई हार्डली हैव सीन सच फिल्म्स और ऐसी ग्रेट फिल्में बनी हैं तभी उन्हें इतना ग्रेट माना जाता है स्टीवन स्पिलबर्ग हम हमेशा कहते हैं कि जुरासिक पार्क ये वो ट्रांसफॉर्मर्स there is lot of effects, lot of this thing out of the way. But in a very simple manner, the way very beautifully this guy has told a story is on next level. I was speechless. मतलब मैं ये फिल्म बार बार देख सकता हूँ. अगर आप फिल्म का पोस्टर भी देखेंगे, तो भी it's all about life is waiting, and the film is all about that. You have to wait for the right time. आई नो मैं इसके बारे में बहुत देर तक बोल सकता हूँ एक दिन कम पड़ जाएगा मुझे बट येस वी हैव टू स्टॉप समवेयर सो प्लीज वॉच दिस फिल्म डू नॉट मिस दिस फिल्म इट्स देयर ऑन अमेजोन प्राइम एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स हाउ यू लाइक इट आई नो यू विल लाइक इट इट वोंट बोर यू इट वोंट गिव यू द फीलिंग ऑफ आई डिडंट लाइक द फिल्म इज ब्यूटिफुल एंड यू शुड नॉट मिस इट ऑल्सो प्लीज डू नॉट फर्गेट टू लाइक कमेंट on this video also share it to the maximum people as you can please subscribe to the channel and notification bell bajana bilkul bhi mat bhuliyega uske wajah se kya hoga aapko mere videos ke update turant aa jayenge upload ke turant hi baad aapko ek notification aa jayega and you will be seeing new films new series along with me main Shrini Zuglider alvida dilta hu I hope aap ghar mein hai surakshit hai aap apni care kar rahe ho aur aise hi karte rahiye थोड़े दिनों में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद चलेंगे राइड पे एंजॉय करेंगे आप भी और मैं भी तब तक बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग